गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रभा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और बहुत अच्छी धूप है टेरेस पर। तो मैंने अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर दी है दोपहर से ही और टेरेस से ही। तो टेरेस पे कुछ काम है इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग मीन्स मैं आई हूँ, मम्मी आई है और जय भी आया है। तो देखिए क्या काम है और क्या कर रहे हैं। और जय तो फुल मस्ती में, देखिए क्या कर रहा है। डोंट थ्रो जे। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी शेयर किया था कि हम लोग हल्दी और जीरा ये सब पीस के साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं, मैंने चक्की से पिसवाने के बाद स्टोर करके रखते हैं। तो यही हल्दी सुखा रहे थे, खड़ी वाली हल्दी, और जीरा भी देखिए सुखा रहे हैं। तो फिर कल जाके इसको पिसा लेंगे। तो ये देखिए जय भी मस्ती कर रहा है, काम कम कर रहा है, बिगाड़ ज़्यादा रहा है। देखिए अभी अभी ये क्या कर रहा है। भाग रहा है और मुझे भी बुला रहा है। तो ये जा रहा है अपने फ्रेंड के यहाँ, फ्रेंड को देखने कि फ्रेंड अवेलेबल है कि नहीं। यदि वो फ्री है तो जय भी खेल लेगा। तो जय भाग रहा है, मुझे बुला रहा है। तो चलो चलते हैं पीछे पीछे। और उसको बेल बजाते नहीं आती है किसी के घर का, क्योंकि उसका हाथ उतना दूर पहुँचता नहीं है। तो मुझे बुला के लेके जाता, बोलता कि बेल बजाओ। तो मैं जा रही हूँ, चलो चलते हैं। और मैं बेल बजा के आऊँगी और यहाँ पे छुप जाऊँगी, क्योंकि उन लोग को लगेगा नहीं तो कि मैं ही आती हूँ, उनको परेशान करती हूँ। तो चलो चलते, बेल बजाती हूँ और वापस यहीं आ जाती हूँ। ये देखिए जय अपने फ्रेंड के घर पे पहुँच गया है दरवाजे पे, और मैंने भी बेल बजा दिया और वो खड़ा है, वेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने बेल बजा दी हूँ और वापस आके यहीं पर खड़ी हो गई हूँ। और यहीं से झाँक के देख रही हूँ कि उन लोग दरवाजे खोल रहे क्या नहीं। और मुझे नहीं लगता कि उन लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो उनको पता नहीं होगा कि मैं ही बेल बजाती हूँ। तो जय वहाँ पे गया हुआ है, तो यदि उन लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर चला जाएगा, और यदि नहीं खोलते हैं तो वापस आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी उन लोग भी घर में नहीं रहते हैं, तो इसको समझ में नहीं आता है, मीन्स जय को समझ में नहीं आता है, और वो सोचता है इन लोग क्यों नहीं खोल रहे हैं। और खैर मैं यहीं पर हूँ और यहीं से देखती हूँ, सामने नहीं जाऊंगी, नहीं तो उनको लगेगा कि मैं ही आती हूँ, मैं ही बेल बजाती हूँ, उनको परेशान करती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेटस है, उन लोगों ने दरवाज़ा खोला या वो वापस आ रहा है, देखती हूँ। ये देखिए जय को, जय रिटर्न आ गया है। तो लगता है उन लोग घर में नहीं है, तो दरवाज़ा कैसे खोलेंगे। तो जय ने भी अपना दिमाग चला लिया है, वो अपने दूसरे फ्रेंड की खोज में जा रहा है। उसका दूसरा वाला फ्रेंड जो है वो नीचे के फ्लोर में है, तो वो जा रहा है और मुझे भी बुला रहा है, क्योंकि अकेले जाने में उसको थोड़ा सा डर लगता है, अभी भी छोटा बच्चा है। तो मैं भी जा रही हूँ पीछे पीछे, क्या करूँ। तो इनका जो बेल है ना, मैंने दरवाजे की जो घंटी है वो थोड़ा सा नीचे है, तो जय का हाथ वहाँ चला जाता है, तो मुझे नहीं जाना है घंटी बजाने के लिए। तो वही जा रहा है, देखो घंटी भी बजा रहा है। तो चलिए जय को उसका फ्रेंड मिल गया है, तो वो बिज़ी हो गया खेलने में, और मुझे भी काम है कुकिंग वगैरह का, थोड़ा बहुत काम करना है, मम्मी के साथ हेल्प करना है। तो मैं जा रही हूँ वापस अपने फ्लैट पे और कुछ काम करते हैं। चलिए तो मैं आ गया किचन में, और बन रहे मिक्स वेजिटेबल करी। तो मिक्स वेजिटेबल में सारे टाइप की जितनी करी अवेलेबल है सारा डाल दिया है, और उसी की करी बन रही है, और साथ में बन रही है भिंडी फ्राई और दाल। तो ये देखिए मिक्स वेजिटेबल करी तैयार हो चुकी है। तो इसमें गोभी है, आलू और गाजर, शिमला मिर्च, और ये है मसूर की दाल, और साथ में बन रही है भिंडी फ्राई, ये देखिए। तो ये अभी मैं बना रही हूँ। तो मेरी कुकिंग कंप्लीट हो गई है, दाल भी बन गया है, मिक्स वेजिटेबल भी हो गया, और ये देखिए भिंडी फ्राई भी हो गया है। तो ये देखिए भिंडी फ्राई तो हो गई है, और जा रहे हैं लंच करने। तो लंच में ना हम लोग राइस ही खाते हैं, तो रोटी नहीं खाते हैं। तो राइस और जो भी बनाए थे करी, तो वही सब हैं। तो ये है मिक्स वेजिटेबल करी से स्टार्ट करें, तो आप सब भी आ जाइए प्लीज़। तो
तो फ्रेंड्स मैंने अपनी थाली लगा ली है, मैं जा रही हूँ लंच करने। आप सब भी प्लीज़ आ जाइए, मुझे ज्वाइन कीजिए लंच पे। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पेंट कर रही हूँ। यदि आपको यदि अच्छा लगा होगा मेरा ये वाला ब्लॉग तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे न्यू आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।